जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एलसीएम निकालना। यदि आप लोग एलसीएम निकालना नहीं जानते हैं और एलसीएम निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्ती, मतलब सबसे छोटी संख्या से इसको हम लोग काटेंगे। तो लो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते ही हैं। तो क्या है, सबसे पहले जो संख्या हमारे पास 6 और 9 दिया है तो इसको हम सबसे छोटी ऐसी संख्या से काटेंगे दोनों में भाज्य हो। अगर नहीं भी कटेगी तो हम इसको इन दोनों संख्याओं को काट करके यहां पर एक एक लाना है लास्ट में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको, सबसे छोटी संख्या 2 से हम लोग काटेंगे। तो 2 से काटते हैं, चलो 2 3 6, तो ये 3 बार चला गया, लेकिन 2 से 9 नहीं कटेगा। तो जो संख्याएं नहीं कटेंगी वो हम यहाँ पर उतार लेंगे सेम टू सेम। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग करेंगे दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, जैसे यहाँ पर 3 है, इधर 9 है, तो 2 से तो ये दोनों संख्याएं नहीं कटेंगे, तो हम 3 से काटते हैं। चलो 3 से काटेंगे, तो 3 × 3 तो 1 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर 3 × 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम फिर से 3 से काटेंगे, काट लेते हैं। तो 3 से काटेंगे तो 3 × 3 तो पहले ही था वो, फिर 3 × 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो लास्ट में है इधर दोनों तरफ हमें एक एक लाना होता है। इसमें क्या है, लघुत्तम समापवर्ती में मुझे यही करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो संख्याएं आई हैं तो हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग करेंगे ये कि जो संख्याएं हैं 2 आया है, इसकी गुणा हम अगली संख्या से, जितनी संख्या है 3 है, उसके बाद फिर 3 है। तो हम जो भी संख्याएं यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आती हैं उनकी सबकी गुणा हमें करानी होती है। तो इसकी हम लोग गुणा कराएंगे, तो गुणा कराने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 2 × 3 = 6, कितना, 2 × 3 = 6 × 3 = 18, तो 18 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। आपको क्या करना होगा, इस तरीके से एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। इधर इधर हमें एक एक लाना होगा और जो आएंगी संख्या उनकी गुणा करके हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस एग्जाम्पल से एक बार और समझ लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को एलसीएम निकालना बिल्कुल आसान तरीके से बहुत ही जल्दी आ जाए। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 8 दिया है, इधर 12 दिया है, इधर 21 दिया है। तो हम सबसे पहले ऐसी संख्या से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। चलो काटते हैं, तो छोटी संख्या हम 2 से काटेंगे इसको। तो काटते हैं, 2 × 8 हो जाएगा, 2 × 12 हो जाएगा, 2 से 21 कटेगा नहीं, तो हम 21 को एज इट इज यहाँ पर उतार लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे फिर 2 से काटेंगे इसको। तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 2 और 21 कटेगा ना, तो 21 को हम फिर से ऐसे ही उतार लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये फिर से इसको 2 से ही काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है हमारे पास। तो यहाँ पर 2 × 2 = 2, 3 × 3 = 21 कटेगा नहीं, तो हम ऐसे ही इसको उतार लेंगे, ठीक है। जो कटेगी नहीं संख्या उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 1 है तो 1 को हम ऐसे उतारेंगे, 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 3 हो जाएगा, तो सॉरी 3 × 3 = 3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 × 7 = 21, क्योंकि 7 बार चला जाएगा, 7 इधर लिख देंगे हम, जितनी बार जाएगा उतनी बार हम नीचे लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से 7 भी नहीं कटेगा, जब 3 से 1 भी नहीं 7 भी नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 7 से ही काटेंगे। 1 पहले से ही था, इधर भी 1 पहले से ही था, और इधर 1 कर लिया मैंने। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर तीनों तरफ हमारे पास क्या है, 1 1 1 आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए हमें सबकी गुणा करानी होगी आपस में, तो करा लेते हैं। कराने के लिए क्या करेंगे, 2 है ऊपर तो 2, फिर 2 है, फिर 2, फिर 2 है, फिर 2, फिर 2, फिर सॉरी 3 है तो 3, फिर कितना है, 7 है, तो 7 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी की सभी संख्याओं की हम लोग गुणा करा लेंगे। करते हैं, चलो 2 × 4 × 8 × 3 = 24, तो 24 × 7 कर लेते हैं यहाँ पर। जो संख्या आपको नहीं आती तो यहाँ पर हम गुणा करके इसका राइट आंसर हम लोग ला सकते हैं बहुत आसान तरीके से। 7 × 28 के हम लोग 8 लिखेंगे, 7 × 2 = 14, और 2 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये राइट आंसर 168 मतलब 168 इसका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप एलसीएम निकालना भी सीख गए होंगे। तो यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।